सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, अगर आपका भी बजट यहाँ पे जो कि है 45,000 रुपीज का है, एंड गाइस 45,000 रुपीज के अंदर रहते हुए अगर आप भी आपके लिए एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो यार इस वीडियो को आप जो कि है एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको जो कि है 45,000 रुपीज के अंदर एक बढ़िया सा फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड बताऊंगा, जिसमें कि यार यहाँ पे एक गेमिंग पीसी इंक्लूड रहेगा, साथ में यहाँ पे जो कि एक गेमिंग मॉनिटर एंड गाइस एक गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो इंक्लूडेड रहेगा। तो भाई वीडियो को आप जो कि एंड तक देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करें बगैर मत जाना। एंड गाइस, इस वाले पीसी पे आप जो कि है आराम से 1080p लेवल पे GTA 5 जैसे गेम को लो टू मीडियम सेटिंग्स पे 60+ FPS पे आप जो कि है प्ले कर पाएंगे। एंड गाइस, यहाँ पे आप जो कि है 4K लेवल तक की वीडियो एडिटिंग बहुत ही आराम से इस वाले पीसी पे आप जो कि है कर लेंगे गाइस। तो यार वीडियो को आप जो कि एंड तक देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को जो कि है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर वगैरह मत जाना। सो हे गाइस, दिस इज लाइक यू आर वॉचिंग टेक एडमायर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। हमने इस वाले पीसी में इंटेल की तरफ से अनलॉक कोर i3-10100F यहाँ पे जो कि है प्रोसेसर का यूज किया है गाइस। इस वाले प्रोसेसर में आपको जो कि 4 cores and 8 threads देखने को मिल जाते हैं। 3.6 GHz की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 4.3 GHz की यहाँ पे आपको जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। 6 MB की इसमें आपको जो कि कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। 65W की TDP देखने को मिल जाती है। 2666 MHz की रैम को ये वाला जो कि यहाँ पे प्रोसेसर सपोर्ट करता है। अंगेज ये वाला प्रोसेसर यहाँ पे जो कि आपको इस आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलता है, बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अंगेज प्राइस के बारे में बात करूँ तो 6400 रुपीज़ में आपके लिए जो कि प्रोसेसर यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो भाई जरूर से आप जो किस वाले प्रोसेसर को डिस्क्रिप्शन जाकर यहाँ पे जो कि परचेस कर सकते हैं। बात आती है इस मदरबोर्ड की तरह, मदरबोर्ड में आप जो कि असुस की तरह से मतलब प्राइम H410ME यहाँ पे जो कि मदरबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो कि यहाँ पे माइक्रो एटिक्स आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। इंटर की 10th and 11th generation के प्रोसेसर को ये वाला जो कि मदरबोर्ड यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसमें आपको जो कि DDR4 वाले 2 RAM slots देखने को मिल जाते हैं गाइस, जो कि अप टू 3200 MHz की रैम को सपोर्ट करते हैं। इसमें आपको जो कि NVMe M.2 SSD का भी स्लॉट देखने को मिल जाता है। PCI Express 3.0 को ये वाला जो कि मदरबोर्ड यहाँ पे जो कि सपोर्ट करता है। इसमें आपको जो कि HDMI port DVI port सारे पोर्ट्स यहाँ पे आपको जो कि अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं, बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिलता है गाइस। हमारे इस वाले बिल्ड को रन करने के लिए मोर देन इनफ ये वाला जो कि मदरबोर्ड रहने वाला है। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 5980 रुपीज़ में आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो भाई जरूर से आप जो कि इसको भी डिस्क्रिप्शन से जाके परचेस कर सकते हैं। नो इस बात आती है रैम की, तो यार रैम में आप जो कि है XPG की तरफ से निकली 8GB GDDR यहाँ पे आप जो कि है रैम का यूज़ कर सकते हैं। नोवाइज ये वाली जो कि 8GB DDR4 वाली यहाँ पे आपको जो कि है 3200 MHz की रैम देखने को मिल जाती है विद लाइफ टाइम वारंटी। अंगज 3200 MHz की रैम का यूज़ करने का एक सिंपल सा मैं आपको जो कि रीज़न बताना चाहूँगा। आज की डेट में 2666 MHz की रैम भी आपको जो कि है 3200 MHz की रैम की प्राइसिंग पे ही ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है। तो यार इससे बढ़िया है कि यार आप जो कि 3200 MHz की रैम का यूज़ करें, ताकि यार यहाँ पे आपको जो कि इन फ्यूचर अगर आप एक नया पीसी बिल्ड करते हैं तो यार आपको जो कि फिर से 3200 MHz की रैम को परचेस करना नहीं पड़ेगा। अंगेज 3200 MHz की रैम को यूज़ करने से यहाँ पे आपको जो कि पीसी में कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है गाइज। आपको जो कि पीसी यहाँ पे एकदम बटरी स्मूथ आपको जो कि परफॉर्मेंस निकाल के देगा। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 2772 रुपीज़ में आपके लिए जो कि रैम देखने को मिल जाएगी। तो भाई जरूर से आप जो कि इस वाले रैम को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। नाउ गाइस बात आती है स्टोरेज की, तरह स्टोरेज में मैंने यहाँ पे जो कि सिर्फ और सिर्फ SSD को ही इंक्लूड किया है, बिकॉज यार हार्ड डिस्क का हमारा यहाँ पे जो कि करंटली बजट नहीं है। अगर आपको जो कि बजट यहाँ पे जो कि अलो करता है एक हार्ड डिस्क को परचेज करने के लिए, तो यार आप जो कि हार्ड डिस्क को भी यहाँ पे जो कि जरूर से इस वाले पीसी में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी तो इस वाले बिल्ड में हमने जो कि क्रूशियल की तरफ से अनली P2 NVMe M.2 यहाँ पे जो कि SSD का यूज़ किया है, जो कि यार यहाँ पे आपको 250 GB की देखने को मिलती है। NVMe M.2 यहाँ पे आपको जो कि SSD देखने को मिल जाती है गाइस, जिसमें कि आपको जो कि 2400 MBPS की रीड स्पीड, 1700 MBPS की राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। 5 years की वारंटी के साथ आपको ये लीजिए कि SSD देखने को मिलती है, बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि परफॉर्मेंस ये वाली जो कि SSD आपको जो कि निकाल के देगी। आई नो कि यार यहाँ पे जो कि 250 GB की SSD
टेक्नोलॉजी किसी के लिए भी सफिशियंट नहीं रहेगी, बट यार परफॉर्मेंस की बात आती है तो यार कुछ ना कुछ यहाँ पे जो कि कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो भाई प्राइस के बारे में बात करूँ तो 2580 रुपीज में आपके लिए जो कि SSD देखने को मिल जाएगी। तो भाई जरूर से आप जो कि इस वाले SSD को भी परचेज कर सकते हैं। बात आती है इस ग्राफिक कार्ड की तरफ, ग्राफिक कार्ड में हमने जो किया NVIDIA की तरफ से अनलॉक कॉर्डो T400 यहाँ पे जो किया ग्राफिक कार्ड का यूज किया है। इसमें आपको जो कि 2GB GDDR6 वाला आपको जो कि वाला ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। इसमें आपको जो कि 3D4 SCUDA कोर्स देखने को मिल जाते हैं। 64-bit इंटरफेस के साथ आपको जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। 3 HDMI पोर्ट्स इसमें आपको जो कि देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे जो कि मल्टीपल मॉनिटर का सेटअप करना चाहते हैं यार कोई भी यहाँ पे आपको जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बढ़िया ये वाला आपको जो कि ग्राफिक कार्ड यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के देगा। GTA 5 से गेम में आप जो कि 1080p लेवल पे 60+ FPS लो टू मीडियम सेटिंग्स में आराम से यहाँ पे जो कि अचीव कर पाएंगे। अंगज 4K लेवल तक की वीडियो एडिटिंग बहुत ही आराम से वाला जो कि यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड करवा के देगा। अंगज प्राइस के बारे में बात करूँ तो 11,990 रुपीज में आपको जो कि यहाँ पे ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो भाई जरूर से इस वाले ग्राफिक कार्ड को भी आप जो कि डिस्क्रिप्शन से जाके यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। नो गाइस बात आती है पावर सप्लाई यूनिट की, तो यार पावर सप्लाई में हमने जो कि यहाँ पे एंटे की तरफ से अनला एटम 450 वाट का यहाँ पे जो कि है पावर सप्लाई का यूज़ किया है। नवाज वाला जो कि है नॉन मॉडलर यहाँ पे आपको जो कि है पावर सप्लाई देखने को मिलता है गैस, जो कि यार यहाँ पे आपको 450 वाट का देखने को मिलता है। एंड गैस ये वाला पावर सप्लाई में आपको जो कि है 120mm की यहाँ पे आपको जो कि फैन देखने को मिल जाती है। फैट केबल्स यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिलते हैं। 24-pin कनेक्टर भी देखने को मिल जाता है। बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि है पावर सप्लाई देखने को मिलता है गैस। 2 ईयर्स की वारंटी के साथ आपको जो कि है पावर सप्लाई देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे आपको जो कि कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपके PC को ये वाला जो कि है पावर सप्लाई आराम से यहाँ पे चलवा देगा। प्राइस की अगर हम बात करूँ तो 2,200 रुपीज में आपको जो कि है पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो भाई जरूर से इस वाले पावर सप्लाई को आप जो कि यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। बात आती है गाइस कैबिनेट की तरफ, कैबिनेट में आप जो कि ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से अनला ज़ेब क्रोनोस मिड टावर गेमिंग कैबिनेट का यहाँ पे आप जो कि यूज कर सकते हैं। इस वाले कैबिनेट में यहाँ पे आपको जो कि टोटल 4 RGB फैंस प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं। 3 120mm के फ्रंट में एक 120mm का आपको जो कि रियर में फैन जो कि प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। टेम्पर्ड ग्लास एंड PSU शॉर्ट भी देखने को इस वाले आपको जो कि कैबिनेट में मिल जाता है। अंग्रेज इस वाले कैबिनेट में आपको जो कि ATX मिनी ATX माइक्रो ATX सारे यहाँ पे जो कि मदरबोर्ड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अंग्रेज बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिलती है अच्छी खासी एयरफ्लो के साथ। बजट में यहाँ पे आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल रही है। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 2,999 रुपीज़ में आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाएगी। तो भाई जरूर से आप जो कि इस वाले कैबिनेट को भी यहाँ पे जो कि डिस्क्रिप्शन से जाके परचेस कर सकते हैं। नाउ गाइस ये हो गया हमारा PC बिल्ड का पार्ट गाइस। अभी बात करते हैं पेरिफेरल्स के बारे में। मॉनिटर में हमने जो कि यहाँ पे एसर की तरफ से अनला नाइट्रो QG221Q यहाँ पे जो कि मॉनिटर का यूज़ किया है। नॉइज वाला जो कि यहाँ पे आपको 21.5 इंचेस का फुल HD VA पैनल वाला यहाँ पे आपको जो कि एक गेमिंग मॉनिटर देखने को मिलता है। इसमें आपको जो कि 1 मिली सेकेंड की रिस्पॉन्स टाइम, 75 हर्ट्स की रिफ्रेश रेट, अंगस 250 निट्स की यहाँ पे आपको जो कि ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। AMD फ्रीसिंग को ये वाला जो कि यहाँ पे मॉनिटर सपोर्ट करता है। अंगस आई केयर फीचर्स के साथ आपको जो कि मॉनिटर देखने को मिलता है। HDMI गाइस डिस्प्ले पोर्ट इसमें आपको जो कि देखने को मिलते हैं एज ए आउटपुट। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि बेजल लेस यहाँ पे आपको जो कि मॉनिटर देखने को मिलता है। बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि कलर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बढ़िया आपको जो कि ब्राइटनेस वगैरह देखने को मिल जाएगी। गेमिंग में भी आपको जो कि इस वाले मॉनिटर के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। प्राइस की अगर बात करूँ तो 9,499 रुपीज़ में आपको जो कि मॉनिटर देखने को मिल जाएगा। तो भाई जरूर से आप जो कि इस वाले मॉनिटर को परचेज कर सकते हैं। बात आती है गाइस कीबोर्ड माउस कॉम्बो की तरह, आप जो कि एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से अनला KM500W यहाँ पे जो कि कीबोर्ड माउस कॉम्बो का यूज कर सकते हैं। नॉइज इस वाले कॉम्बो में आपको जो कि 104 कीज का फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है विथ बेटर बिल्ड क्वालिटी। अंगज इसमें आपको जो कि RGB कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अंगज बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको जो बिल्ड क्वालिटी के साथ ये वाला जो कि यहाँ पे कीबोर्ड देखने को मिल जाता है विद ब्रेडेड केबल USB गोल्ड प्लेटेड। अंगज माउस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो कि 6-button माउस देखने को मिलता है विद RGB। अंगज इसमें भी आपको जो कि USB गोल्ड प्लेटेड यहाँ पे आपको जो कि ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है। अंगज बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि माउस क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है विद डिसेंट सेंसर। अंगज बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि बजट में कॉम्बो देखने को मिल रहा है। 1,140 रुपीज़ में आपको जो कि कॉम्बो देखने को मिलेगा। बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि प्राइसिंग पे देखने को मिल रहा है। तो भाई इसको भी आप जो कि डिस्क्रिप्शन से जाके यहाँ पे जो कि परचेस कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ हमारा फुल सेटअप गेमिंग PC बिल्ड गाइस अंडर बजट ऑफ 45,000 रुपीज़। अंगज टोटल बिल्ड के प्राइस के बारे में बात करूँ तो 45,610 रुपीज़ में आपका जो कि PC कम्प्लीटली बिल्ड हो जाएगा विथ ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग पेरीफेरल्स। एंड गाइज
इस वाले प्राइस पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको जो कि वैल्यू फॉर मनी वाला जो कि पीसी बिल्ड देखने को मिल रहा है। इस पे आप जो कि 1080p लेवल की गेमिंग एंगल्स 4K लेवल तक की वीडियो एडिटिंग बहुत ही आराम से कर पाएंगे। फ्यूचर प्रूफ भी यहाँ पे आपको जो कि बिल्ड देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे जो कि इन फ्यूचर i5 पे अगर आप जो कि अपग्रेड करते हैं तो यार यहाँ पे आपको जो कि मदरबोर्ड वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जीवन अगर आप यहाँ पे जो कि ग्राफिक वगैरह चेंज करते हो तो यार बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि परफॉर्मेंस भी इस वाले जो कि पीसी में आपको जो कि देखने को मिलेगी। तो भाई जरूर से आप जो कि इस वाले पीसी को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं अंडर बजट ऑफ 45,000 rupees। अंगे सारे कंपोनेंट्स की लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन केस अगर आप जो कि इस वाले पीसी को बिल्ड करना है तो यार आप जो कि डिस्क्रिप्शन से ही कंपोनेंट्स को परचेज करना ताकि यार चैनल को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कि सपोर्ट मिले। एंड गाइस होप करता हूँ आपको जो कि वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी जो कि यहाँ पे छोटी सी भी हेल्प हुई हो तो यार वीडियो को जो कि जरूर से लाइक करना। चैनल भी नहीं होता यार आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार चैनल को जो कि जरूर से सब्सक्राइब करना गाइस ताकि यार आपको जो कि ऐसे बढ़िया बढ़िया पीसी बिल्ड के रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस देखने को मिले। एंड गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।